बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय का विस्तार किया गया, ये पूरा कैंपस है जो विस्तार के नाते आज जिसका उद्घाटन यानी कि जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो न्यूज 18 इंडिया के पास है इसकी पूरी कि कितने एरिया में ये बना हुआ है, हम अपने दर्शकों को बता दें कुल 2 एकड़ से अधिक ये पूरा परिसर है, जो इसका क्षेत्रफल है वो 2 एकड़ से ज़्यादा है, जिसमें 4 पूरे कैंपस को 4 बिल्डिंग इसमें पूरे कैंपस में बनाई गई हैं, जिसमें पहला सभागार है जो सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा सभागार है, ये भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। वहीं दूसरा, ये दूसरा जस्ट जो ये रिसर्च विंग है इसका दूसरा पार्ट है, जहाँ पर बीजेपी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ या अपने या हिस्ट्री से संबंधित जो भी उससे संबंधित रिसर्च होंगे वो इस बिल्डिंग में यहाँ पर रिसर्च यूनिट यहाँ पर स्थापित की जाएगी। करीब 100 से ज़्यादा यूथ जो इस रिसर्च विंग से जुड़े होंगे, जो अलग अलग फील्ड में रिसर्च करेंगे। वहीं जो सामने है, जो सामने जस्ट रिसर्च विंग के जो सामने है वो गेस्ट हाउस यानी कि अतिथि गृह है। इस अतिथि गृह में जो प्रचारक हैं, जो संघ के प्रचारक बीजेपी में जो संगठन मंत्री की भूमिका में है, वो उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, या जो अलग संगठन मंत्री अलग अलग प्रदेशों के जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं वो, या दूसरे अन्य अतिथि जो होंगे वो इस बिल्डिंग में रुकेंगे। इसके अलावा जो आवासीय परिसर है जस्ट इसके बराबर में, इसी अतिथि गृह के बराबर में आवासीय परिसर है जहां पर ये संगठन मंत्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है। और चौथा है आवासीय, जो चौथा है आवासीय परिसर के बाद ये पूरा सभागार है। अगर इन सब पूरे एक परिसर की हम बात करें, मैं अपने न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दूं, जो पहला जो आप सामने मेन बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, ये इसमें 4 मुख्य सभागार हैं, जिसमें पहला जो सभागार है वो करीब 100 सीट का यानी कि छोटा सभागार है जिसमें छोटे कार्यक्रम होने हैं वो रहेगा, वो ग्राउंड फ्लोर पर है। उसी ग्राउंड फ्लोर पर 2 सभागार और बनाए गए हैं। आप इस सभागार की विशालता देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसी ग्राउंड फ्लोर पर 2 सभागार यानी कि 3 सभागार कुल मिलाकर रहेंगे, जिसमें प्रति 72 सीटों के जो 2 सभागार और बनेंगे 72 सीटों के रहेंगे। और जो मुख्य सभागार यानी कि जो बड़ा ऑडिटोरियम होगा, बड़ा हॉल होगा, वो इसके फर्स्ट ग्राउंड पर होगा, जिसमें 765 सीट यानी कि 765 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता आ चुके हैं, जिसमें स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, मीडिया इंचार्ज, मीडिया कोऑर्डिनेटर है अनिल बलूनी, को इंचार्ज संजय मयूक, प्रवक्ता के शुक्ला और कृष्ण गोपाल, तमाम बड़े नेता हैं। और वो जो सामने जो मजदूर आप देख रहे हैं, वो मजदूर हैं जो इस कार्यालय को, इस परिसर को बनाने में जिन्होंने दिन रात एक मेहनत की, उनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सम्मानित करेंगे। और मैं आपको इस पूरे परिसर की विशेषता, जो कितने एकड़ में क्या क्या है, वो और विस्तार से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। टोटल 7 फ्लोर जो रिसर्च विंग, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, जो रिसर्च विंग है इसमें 7 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर 32 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। टोटल अगर कैपेसिटी की बात करेंगे 32 के हिसाब से तो 224 लोग इसमें बैठ सकते हैं, यानी कि रिसर्च विंग में काम करने वाले 224 लोग, रिसर्च टीम जो पूरी रहेगी वो 224 लोगों की रहेगी। ऐसी अतिथि गृह में फर्स्ट फ्लोर पर 20 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, और वहीं सेकंड से दूसरे से 7वें फ्लोर तक अगर बात करेंगे 16% पर फ्लोर पर रहेंगे, पहले फ्लोर पर 20 रहेंगे लेकिन बाकी के जो फ्लोर हैं 2 से लेकर 7वें फ्लोर तक उसमें 16% रहेंगे, यानी कि टोटल 116 लोगों के रुकने की व्यवस्था, यानी टोटल 116 और 20 को लगा दें तो 136 लोग इसमें, यानी कि 136 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। वहीं आवासीय परिसर की बात करें, यह गेस्ट परिसर था, वहीं अगर बात करें आवासीय परिसर की तो 7 फ्लोर इस आवासीय परिसर में, बिल्कुल जैसे गेस्ट हाउस है, रिसर्च विंग है, ऐसे आवासीय परिसर में भी 7 फ्लोर बनाए गए हैं। 6 फ्लोर में यानी कि 2 BHK, 2+1 वाला जो BHK है, 12 फ्लैट, 1 BHK के 12 फ्लैट बनाए गए हैं। और 1 फ्लोर में कॉन्फ्रेंस हॉल, जो 2 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं वो बनाए गए हैं। और ग्राउंड फ्लोर पर जो कैंटीन है यानी कि भोजनालय, जो गेस्ट आएंगे, जो इस बिल्डिंग में काम कर रहे होंगे, जो आवासीय परिसर में रहने वाले लोग होंगे, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई। और सबसे बड़ी बात हेल्थ को लेकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में अमूमन कहते हैं कि स्वस्थ भारत होना चाहिए, स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना है उसका इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। एक बेहद अत्याधुनिक और
जो यहाँ पर लोग रहेंगे उनके लिए जिम की व्यवस्था भी की गई है, और जिम जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर वो भव्य जिम जो लोगों को जागरूकता करने जो हेल्थ की जागरूकता के लिए अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, यानी कि पूरा जो एक जो पूरा कैंपस है पूरे 2 एकड़ से ज़्यादा का है। और ठीक इससे जस्ट आगे वो बीजेपी का मेन ऑफिस है, जो बीजेपी हेडक्वार्टर है, जो आपसे आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, उससे जस्ट उसके अपोजिट अगर थोड़े 2 कदम पीछे चलेंगे तो ये केंद्रीय कार्यालय विस्तार का लोकार्पण जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, ये बनाया गया है, इसको अंतिम रूप दे दिया गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तमाम बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, सभी सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों को इस लोकार्पण के समय मौजूद रहने के लिए उनको इनवाइट किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इस पूरे भवन का, इस परिसर का, जो केंद्रीय कार्यालय का विस्तार जिसको कहा जा रहा है उसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मिनिस्टर इस दौरान रहेंगे। अब भारती बहन जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गई हैं। और जो ये हॉल है, जो हॉल मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, जो फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर पर जिसको 3 भागों में 3 हॉल बनाए गए हैं छोटे छोटे 100 सीट का और 72 सीटों का, वहीं जो ग्राउंड जो फर्स्ट फ्लोर है वो बड़ा 765 सीटों का बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है। यानी कि अब से कोई भी बड़ा कार्यक्रम होगा या खासकर जो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक होती है वो माना जा रहा है कि अब से इसी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। क्योंकि हमेशा जब भी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो जगह चुनने का एक बड़ा काम रहता है कि कहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के मद्देनज़र बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े देश भर के बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारी और नेता उस दौरान उसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं, तो एक जगह की चुनौती हमेशा रहती है। तो उसकी कमी को देखते हुए यहाँ पर ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। 765 लोगों का जो फर्स्ट फ्लोर पर है वो बनाया गया, छोटे छोटे ऑडिटोरियम भी ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए हैं। और आज इसका जो इस विस्तार का, जो केंद्रीय कार्यालय का विस्तार है जिसको नाम दिया गया है, इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमने क्या क्या इसके अंदर है, क्योंकि इसकी भव्यता, इसकी विशालता देखते ही बनती है, क्योंकि बड़ा ही भव्य तरीके से और खासकर टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस कार्यालय को बनाने में किया गया है। पूरा एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जिम बनाया गया है, ऑडिटोरियम तो बनाए ही गए हैं। जो संगठन मंत्री हैं, जो संघ के प्रचारक हैं और जो बीजेपी में संगठन मंत्री के नाते जिनकी भूमिका रहती है, उनके भी रुकने की व्यवस्था, और खासकर जो गेस्ट आएंगे बीजेपी के अलग अलग प्रदेशों से जो प्रमुख नेता रहेंगे उनके भी रुकने की व्यवस्था इस जो विस्तार है, केंद्र कार्यालय का विस्तार है, इसमें की गई है। यानी कि हर बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ टेक्नोलॉजी का संगम इस कार्यालय में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।